सर, मैं कल सुबह से यहाँ 11 बजे कल सुबह मैं आ गया था अपने कुछ साथियों के साथ में। तो हम लोगों ने जाकर के घटनास्थल पे देखा तो वहाँ पर बच्ची का जो शव जहाँ पर ले जाकर उन लोगों ने उसका मर्डर करके और रेप जैसी घटनाएं सामने आने की आशंका है। तो वहाँ पर गए देखे तो एसिड डालकर उस सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया। बसरते बात यह है कि जो यहाँ पर गांव के लोग भी हैं, काफ़ी लोग सहयोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लीपापोती करने में जुटी हुई है। और जिस तरह से भाई ने बताया कि समाज के ही व्यक्ति ने आ करके समाज के साथ जो इस समय अन्याय और अत्याचार हो रहा है, एक बहन के साथ बहुत ही दर्दनाक निर्मम हत्या की गई है, उसके साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने आके यहाँ पर दलाली की है। और ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के बीच में बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने समाज के लिए आवाज़ न उठा पाए। तो सर, मैं कहा सुबह से और रात में अभी तक यहाँ पर बना हुआ हूँ, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पर। यहाँ पर कोई ऐसा नेता आया जो समाज का प्रतिनिधि हो? अभी तक तो कोई नेता यहाँ पर नहीं दिखा जो पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति प्रदान करे। जो भी आए और वो भी दलाल टाइप के लोग आए। कल भीम आर्मी भी आई थी, उन्होंने क्या किया, क्यों लौट गए वो? सर, भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्तागण आए थे, बसरते उन्होंने सीओ साहब को एक ज्ञापन देकर चले गए, कुछ उसमें मांगे थी, उस ज्ञापन को देकर वो चले गए अपनी औपचारिकता पूरी करके। बसरते जो संघर्ष की जो लड़ाई है उसको, जो न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो उस तरह से वो लड़के नहीं जा पाए। क्या क्या लगता है इसमें बहुजन में भी जो है जातिवाद का असर हुआ है? मामला पासी समाज का जो की बताया जा रहा है, क्या अदर कास्ट का मामला होता तो ऐसा होता? जी बिल्कुल, ये तो समझ लीजिए बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर अगर किसी भी देश की कोई भी बहन बेटी हो, अगर उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा किसी भी जाति धर्म की है, तो उस पर लोगों को आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, उसके लिए न्याय अधिकार के लिए बात अपनी रखनी चाहिए। बसरते यहाँ पर जाति और धर्म देखकर लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल कभी सहयोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्या आप मानते हैं बहुजनों में भी जातिवाद है? जी बिल्कुल है। यहाँ पर तो अभी देखा जाए बहुजन की बात करें तो SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो है बहुजन में आते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पासी समाज के लोग अपने ही समाज में आके इतनी बड़ी दलाली करके चले गए हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। आपका परिचय? मैं रोशन टाइगर पासी।